शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और देखो बंगले के अंदर पारसी सोया हुआ है, उसको जगा लेगा। उसके पास 15 बंदूकें हैं। 15? उन बंदूकों को फटाफट उठा के लाना है। हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म निकाल जल्दी। ये ले। ठाल। और एक मिनट। मस्त है जल। कौन है? क्या करता है? और 17? क्या बात कर रहा 17 गन? और ये 3 20? लेकिन पप्पू ने तो 15 बोला था। आइडिया, 15 की जगह पे 17 दे डालते हैं उसको, 2 एक्स्ट्रा, वो खुश हो जाएगा। और सुन, ये 3 है ना, हम लोग चोर बाजार में बेच डालते हैं 50-50, क्या बोलता है? लेकिन पप्पू को बोलना मत। नहीं बोलूंगा। हलाम दादे, कहाँ है वो 3 बंदूक? कौन सी 3 बंदूक? आपने 15 बोली, मैं 17 लाया। अबे ये 3 बंदूक किधर है? अबे ये 3 बंदूक इंटरनेशनल मार्केट में सलोर होती कीमत है। किधर है? अबे बोल किधर है? तेरे को तो गाली डालूंगा। मैं लाता हूँ सर जी, मैं लाता हूँ। 1 और 1 11। टीचर का नहीं सुनने का, वो पागल है। बंदूक किधर है? ये स्कूल में जाएगा ना तो ऐसा हालत होएगा, खुद के पास बंदूक और हमको पूछता है बंदूक किधर है। ज्यादा नौटंकी मत कर साले, 6 की 6 गोलियां घुसाऊंगा पेट में। वो 3 बड़ी वाली बंदूकें कहाँ है? वो हाँ, वो तो मैंने बेच डाली भाई। क्या बेच डाली? हाँ। तेरे को किसने बोला था ये बंदूकें बेचने के लिए? तेरे को जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, तेरे को डबल चाहिए, ट्रिपल, जितना चाहिए सब दूंगा, लेकिन वो तूने बंदूकें किसको बेची? अभी वो रहता कहाँ है मुझे कैसे मालूम? हेलो डॉक्टर। जी मैं डॉक्टर नहीं, नर्स हूँ। आप डॉक्टर नहीं हो? जी नहीं, डॉक्टर आ रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम? मेरी ये टांगे जो होकर भी नहीं है। अरे ये कैसे आप? रहने दीजिए, बहुत दर्दनाक व्यथा है, आप सुनेंगी तो आपके कान फट पड़ेंगे। अच्छा तो फिर रहने दीजिए। नहीं, रहने कैसे दीजिए, बात अगर आपके मुंह से निकली है तो फिर उसे पूरी होने दीजिए। मैं फौज में था, कारगिल। कैन यू सी द सिनेरियो? कारगिल के महायुद्ध में मैं गोलियों की बौछार करते हुए लाहौर तक पहुंच गया। देखा, अचानक गोलियां खत्म हो गईं और वार भी, मैं पकड़ा गया। 20 दिनों तक मुझे उल्टा लटका कर मेरे पैरों पर तड़ातड़ लाठियों की बरसात करते रहे, लेकिन मेरी हिम्मत तो देखिए, हड्डियां बोली तो बोली मगर मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोला। Control yourself. Good morning, Nana. Good morning, Doctor. Good morning. ये क्या नाम बताया था? थापा। हाँ, ये थापा जी फौज में थे, दुश्मनों ने इनकी टांगे तोड़ दी। ओह, इसका मतलब आपकी टांगे पैदाशी खराब नहीं? नहीं। क्या हुआ क्या आपको? अरे डॉक्टर साहब क्या बताएं? नीचे के भाग से नीचे के धड़ में कोई फीलिंग नहीं है। ये देखिए, हर चीज उठती है लेकिन टांगे नहीं उठती, हर चीज चलती है लेकिन टांगे नहीं चलती। अभी चला लेते हैं, लाइए मुझे दीजिए। आइए फॉलो मी प्लीज। अरे कम ऑन, आइए। नहीं मैं चल सकता। आई नो यू कैन डू इट। आइए, कम ऑन कम ऑन, तुम इंडियन आर्मी में जवान हो। इधर आइए। वेरी गुड, चलिए आइए, चलिए चलिए। ऑलमोस्ट देयर, वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर्ब। यस माय, चलिए। यस वेरी गुड। शुक्रिया सहारा देने के लिए। नो प्रॉब्लम, होल्ड दिस। लेकिन आप जैसी हर लड़की आप जैसा कहाँ सोचती है? लोग मेरा मजाक बनाते हैं, कहते हैं लंगड़े, ए लूले, अनटेढ़े, मगर आप सबसे अलग, सबसे सुंदर हैं। आज के बाद आपसे कोई नहीं कहेगा। चलिए लेट जाइए, मैं आपका चेकअप करता हूँ। चलिए लेट जाइए। आज टाइम की प्रॉब्लम है, हमारे रेजिमेंट की पिज्जा पार्टी हमें ज्वाइन करनी है
हम फिर आएंगे। कमाल होते हैं ये आर्मी वाले, सिर्फ मोटिवेशन की जरूरत होती है। हेलो पॉन्ड में छाप रहे हो? अरे टैक्सी भाड़े की है ना, तो रोज रोज का हिसाब देना पड़ता है। लेकिन तुम अभी भी ये बैग लेके कहाँ घूम रहे हो? नहीं वो ट्रायल चल रहा है ना, साफ सफाई। अच्छा अच्छा अच्छा, पे था मैं। ये मौसम कैसा है यहाँ का? अरे लंदन का मौसम और लंदन की लड़कियाँ, इनका कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी रंग बदलते रहते हैं। क्यों, यहाँ की लड़कियाँ अच्छी नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो कहावत है, लड़कियाँ तो बहुत अच्छी हैं। नहीं मेरा मतलब उनका स्वभाव कैसा है, दोस्ती वोस्ती करती है कि नहीं? जो भी देसी आता है घुमा फिरा के वही पूछता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मैं तो बस यूं ही। अच्छा यूं ही। आटो, आटो। क्या हुआ? आटो तो। क्या हुआ क्या? अच्छा किस तरह की लड़की चाहिए, मैक्सिकन, चाइनीज, जैपनीज, इंग्लिश? सच बताऊं? हाँ। एकदम भारतीय लड़की चाहिए। क्या? हाँ। तुम्हें विदेश में आके विदेशी लड़की चाहिए? क्या बताऊं, खेल ही ऐसा है। हाँ समझ गया समझ गया, यहाँ सब अपना खेल अपने स्टाइल में खेलते हैं। कई लोग आके हमसे पूछते हैं। पंडित ने पूछा क्या? अरे किसी ने नहीं पूछा, मैं तो ऐसे कह रहा था। कब चाहिए? आज। आज? अभी अभी। हाँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं सोके 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 सोके। अच्छा सुनो। हाँ। बोलो। एक महीने के लिए चाहिए। एक महीना? वही की वही सेम टेस्ट। क्या तुम भी यार? अरे नहीं नहीं दरअसल, नहीं नहीं दरअसल मेरी, अरे शादी नहीं हुई ना इसीलिए। समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ, सब समझता हूँ। अच्छा सुनो। हाँ। उसको हिंदी भी आनी चाहिए। हिंदी? हाँ। अच्छा हिंदी में डायलॉग बोलने वाली चाहिए। हाँ, डालो, 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 यार, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। एक महीने के लिए चाहिए, हिंदी में डायलॉग बोलने वाली चाहिए, सारी चीजें बड़ी। अरे डायलॉग में इतना खुश क्यों गए? अच्छा सुनो। हाँ हाँ। लड़की एकदम हीरोइन जैसी होनी चाहिए। ठुमका लगाए मस्त। बड़े रंगीन आदमी लगते हो यार। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, जैसा बोलोगे वैसा नाचेगी, ठुमका बोलोगे ठुमका लगाएगी। अरे पैसा खर्च करो, क्या नहीं हो सकता? पैसा कितना ले लेगी? अरे यार छोड़ो ना, वो तो वो लोग बताएंगे, तुम उसकी चिंता क्यों करते हो? तुम्हें जैसा बोला है वैसा करते जाओ। देखो तुम यहाँ चलो, तुम यहाँ सीधे सीधे, और फिर चौथे सिग्नल से बाएं ले लेना, और उसके बाद बहुत बड़ा पार्क पड़ेगा, वहाँ बहुत सारे इंडियंस खड़े मिलेंगे, लेकिन किसी गोरे से मत पूछना, इंडियंस देखते तुम्हें समझ जाएंगे, वो तुमसे दोस्ती करने की कोशिश करेंगे, वो जैसे ही आए उनसे मांग लेना, पर पुलिस से सावधान रहना, ये बात समझ। अच्छा सुनो। हाँ। ये बात जो तुम्हारे मेरे बीच में हुई है। हाँ हाँ। कोई पूछे तो मत बता। अरे नहीं लोग पूछे। अरे तुम चिंता ही मत पूछेंगे। करो। अरे तुम जाओ अपना काम। हाँ। करो। जाओ, ऑल द बेस्ट। अबे मुरारी, भाभी जी कमाल कमाल है, साड़ी कहाँ सुखाती होंगी? फ्रिज में। यार लंगूर की तरह लटके हो, घर बहुत बड़ा है। हाँ बड़ा है। तुम लोगों ने अपनी फीस नहीं बताई। अरे कमिश्नर साहब ने भी तो कहा अपनी सैलरी बताई। अरे कमिश्नर साहब की सैलरी से आपकी फीस का क्या लेना देना, चलो काम शुरू करो। चलो चलो। अरे यहाँ काम नहीं हो सकता। क्यों 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 क्यों? अरे लाल बाबा का प्रकोप है। क्या बात, क्या बात कर रहे हो? अरे भूल गए लाल बाबा को, क्या बात कर रहे हो? सर जी यहाँ लाल बाबा का प्रकोप है, यहाँ हम जीवन भर पेस्ट कंट्रोल करते रहेंगे, पूरा घर खोद करके कब्रिस्तान बना देंगे, फिर भी जीव जंतु बैठ के यहाँ आपके साथ संतरा और अंगूर खाएंगे। क्या मतलब? मतलब काम नहीं हो सकता। ऐसा कैसे बोल रहे हो? मैंने कुकी जी से प्रॉमिस किया है। आपको अपने प्रॉमिस की पड़ी है? वहाँ लाल बाबा चौराहे पे बैठ के आंख जो दिखा रहे हैं उसका कुछ नहीं। अरे लाल बाबा है कौन? तुम बैठ के हाँ मैं हाँ क्या बोल रही हूँ, कुछ बताओगी लाल बाबा के बारे में? लाल बाबा कुल देवता है जीव जंतुओं के, उनका प्रकोप है इस घर में, लाल बाबा को शांत किए बिना जीव जंतुओं को निकालना उतना ही मुश्किल है जितना इंडिया के लिए दाऊद को ढूंढना। लाल बाबा शांत कैसे होंगे या तुम बताओ? अरे हमको क्यों डांट रही, कोई मेरा घर है, इनसे कहो इमली के 8 बीज लेकर के 11 अलग अलग कुओं में डालें और पलट के ना देखें। अब ये 11 कुएं मैं कहां से ढूंढूं? कहां से लाएं 11-12 कुएं? सर उसका भी तोड़ है, एक अंग्रेज के काले कुत्ते को बिस्किट खिलाओ, 2 बार करो, उसके बाद पैर छू लो, काम हो गया सर। ठीक है, कुकी जी के लिए मैं काले कुत्ते के पैर भी छू लूंगा। जी तुम लोग ऐश करो, संतरे लपेटो। जी जी हम सब लपेट रहे हैं सर, चिंता मत। रंगीले, तूने नमक नहीं खरीदा? भूल गया भूल गया। अभी खाना कैसे पकाएंगे? सब लोग खाओ अभी बिना नमक के, मेरे को क्या करने का है? ए, ले रे। ए, खाली नमक चाहिए ना? हाँ अभी लाके देता हूँ। जल्दी ला के दे। बेंजी बेंजी थोड़ा सा नमक, वो लाना भूल गया।
चाय रखिए। हाँ थैंक यू। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। अरे ऐसी मस्त चीज खड़ी है रे किचन में। काम कर पानी उबाल। मस्त बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये लो कचरा कितना है। दादा तेरी माँ बहने नाती है वहाँ झांकने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। मैं तो प्याज लेने आया था। प्याज बाथरूम में? नहीं नहीं साले। अरे क्या हुआ? अरे क्यों मारे इसे? इसको घर में किसने घुसने दिया? अरे मारो भैया खाना पकाने के लिए। अब मैं उसको पकाता हूँ साले कुत्ते। राम सादे राम सादा साला आज तेरे राम सादा तेरी माँ का रुक साले साले दूसरी बार यहाँ आया तो तेरी टांग तोड़ दूंगा कमीने साले। आधा घंटा हो गया है। बोला था मैंने तुमको। अबे पता है उसे जगह ये तेरे जैसी अनपढ़ नहीं है पढ़ी लिखी है वो। उसे 10:30 का टाइम दिया था अभी 10 बज रहे। अच्छा सुन हमारी पहचान तू इस अंदाज से कराना कि झटके से पता चले कि हम राहुल के कितने करीब हैं और हमने तेरी पहचान उससे कराई। हाँ हाँ बोल दूंगा यार। अबे अबे तू खड़ा क्यों बैठ। हट ड्रेस में झुर्रियां आ जाएंगी कैसा लगता हूँ मैं। शाहरुख 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 मुंह पे मटका रखेगा तो एकदम शाहरुख। ट्राई कर लूं क्या? मामू 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 तू ऋतु को फोन करके बोल कोरियंथन स्विमिंग पूल आ जाए वहां भी एक कॉफी शॉप है। हाँ लेकिन यार वो मोबाइल लाया नहीं ना नहीं तो कर लेता फोन में। झूठ मत बोल साले ये क्या दिख रहा है मेरे को चल फोन निकाल चल। हाय 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 हाँ निकाल रहा हूँ अबे रुकना ये रहा। बिजी है बिजी साले लगा हुआ है कर बात। हाँ ऋतु हाँ मैं पक्या बोल रहा हूँ पंकज बोल रहा हूँ। ऋतु वो मॉल के जगह हम लोग कोरियंथियम स्विमिंग पूल मिल सकते हैं? नहीं वो मैं बताता हूँ आपको मतलब तुम्हें मिलके बताता हूँ मैं। इनके साथ निकलता हूँ मुझे भी ले चलो थालो मुझे भी ले करो। हाँ ऋतु मैं पक्या बोल रहा हूँ पंकज बोल रहा हूँ। हाँ ऋतु स्लाइड चेंज ऑफ प्लान वो कोरियंथियम क्लब मत जाना। हाँ उसके बजाय हमारे घर के पास सॉरी तुम्हारे घर के पास वो नेहरू रोड है पता है? वेरी गुड वेरी गुड। उसके पास इंडिया कॉफी हाउस है पता है? वेरी गुड वेरी गुड। तो हम लोग वहीं मिलते हैं। नहीं वो मैं तुम्हें मिलके बताता हूँ। ओके ओके पूरा परफ्यूम भी सूख गया मेरा। अबे यार ये पक्या की राह देख देख के मैं पक गया। मेरे को तो फुल लफड़े की बू आ रही है। हाँ यार ऋतु भी नहीं आई अब तक। 2 और 2 मिलाओ 22 समझो। इससे पहले इनकी गुटरगू शुरू हो जाए चलो चल के इनको कहीं ढूंढते हैं। अरे लखिया बाबुल मोरे भाई साहब थूक क्यों रहे हो? अरे गांव के दमान है इसलिए इस पर थूक रहा हूँ नहीं तो हम लोग डायरेक्ट आग थूक मुंह पे थूकते हैं ये। हाँ पहचाना हजारी ये
मुरारी। हाँ बोलोगी कुछ? भागो। रुको, पकड़ो इनको। वो सोनिया, गोली मत चलाना बे। तू क्यों रिवर्स गियर लगा रहा है? जा भाग। सर सीनियर है आप। अरे तू तो सीनियर सिटीजन नहीं है ना, जा पकड़। अरे हजारी, धीरे धीरे पूरे छींटे हमारे ऊपर आ रहे हैं। अरे यार छाता लेके क्यों नहीं आई? अरे पका दिया यार इस हवलदार ने। मैं भी पेशाब करूं? यहाँ क्या लिखा है? यहाँ पे पेशाब करना मना है। तो फिर कैसे पेशाब करिएगा? तुम दोनों तो मूत रहे हो। अरे हम अनपढ़ है, हमारी छोड़ो। अरे तुम कुछ बोलोगी? अच्छा, अरे ये हजारी, हम मुरारी है। हाँ मूतते रहो, पूरी टंकी खाली करके आना, उससे पहले जिम मत बंद करना। देख देख रितु तो यही है। हाँ मगर इतनी भीड़ क्यों है? उबे पकिया, इसको कौन पीट रहा है? फरिश्ते हमारे साथ धोखा किया साले ने। अरे ये तो बाइक वाली गैंग है, चलो इसे बचाते हैं। ए, संत ज्ञानदेव तू यहीं रुक जा, बहुत कम इंसाफ मिलता है दुनिया में। साले को थोड़ी सजा मिलने दे। सही बोला इसने। हाँ। तू बहुत महान है ढमढेरे। अबे क्या कर रहा है धत पे मार साले के, बहुत बकवास करता है वैसे भी। अबे सालो खाना बाना खाते हो कि नहीं? जोर से घुमा के दो पेट में इकला। तू तो बड़ा बॉक्सिंग चैंपियन था, फिर भी ऐसे टुच्चे लौंडों के सामने दम तोड़ दिया। यूज़लेस। नहीं वो क्या हुआ? एक्चुअली क्या हुआ? वो एकदम अचानक से वो क्या पीछे से वो हमला करने वाले घंटा बजा के इतला देते हैं क्या? और नहीं तो क्या, मैंने इसे कराटे के सारे हाथ सिखाए, फिर भी ये बिस्किट की तरह टूट गया। क्योंकि मैंने तुझे जब वो हाथ सिखाए थे तब तेरा ध्यान नहीं था, इसलिए उसने गलती की। मेरे कंधे पे चढ़ के हीरो मत बन। तुम ऋतु हो? बहुत अच्छा। अच्छा वो आप लोग आ गए, वरना आज हमें कौन बचाता? साले पट्टी पढ़ा के हम लोग इधर आ गया तू। परिचय करा, परिचय करा। सॉरी मैं तुम्हें इनसे मिलवाना भूल गया। ये सब मेरे दोस्त हैं और राहुल के भी। ये गोटी। हाय आई एम गौतम। समीर। और मैं मार्तंड। हाय। अच्छा वो आप लोग मिल गए, मुझे राहुल भैया के बारे में कुछ जानना था। तो सुनो, राहुल एक लड़की से बहुत प्यार करता था, वो भी उससे प्यार करती थी, या प्यार करने का नाटक कर रही थी पता नहीं, मगर एक दिन उसने राहुल को मिलने से मना कर दिया। पर क्यों मना किया उसने? हाँ क्योंकि अब हमें बाद में पता चला कि लड़की घर वालों के अंगूठे के नीचे दबी हुई है। लेकिन राहुल ने बात इतने दिल से लगा ली कि दारू सिगरेट एकदम छोड़ दी। नाम क्या था लड़की का? उसका नाम तो मुझे याद है। हाँ वो सोफी। इसका मतलब वो क्रिश्चियन? हाँ वही तो मुसीबत की जड़ थी, ये हिंदू वो क्रिश्चियन। सोफी के परिवार वालों ने दोनों को जुदा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, कई बार तो गुंडों से भी पिटवाया। हाँ हाँ, अरे जिन लड़कों से मैंने इस मच्छर को बचाया ना, वही तो थे वो गुंडे, अब तक हमारे पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन हम भी राहुल के साथ डटे रहे हैं, उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। अरे एक बार राहुल सिर्फ एक बार कहता ना, उस लड़की को शादी के मंडप से नारियल की गठरी की तरह उठा के उसके सामने पटक देता, लेकिन वो बोला ही नहीं। मुझे याद है जब वो हमें आखिरी बार मिला, एकदम देवदास लग रहा था,
उसने हमें गले लगाकर गुड बाय बोला, तब उसके आंसू देखकर मेरे भी आंसुओं की धार निकल पड़ी। मत रो, आजा मेरे साथ। मेरे भाई अब इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, पूरा खेल बिगाड़ देगा यार तू। खुश तो बहुत होगी माँ, कैसा लग रहा हूँ हजारी पुलिस के भेष में। ये ले काला टीका लगा ले, खुद की नजर से मर जाएगा। माय फादर कर्नल जनरल इन आर्मी, बता कहाँ कहाँ चोरी की है तूने? अमेरिका में बम गिराया था, बस फोन करके पूछ लो। साले तुम लोग क्या छोड़ पुलिस खेल रहे हो? वहाँ मेरी इज्जत पे कोई हाथ डाल रहा है, तुम लोग संभालो ये साला गांव में की गुड़ की दुकान। क्या कौन है? हेलो, हाय हाय, कौन है आप? मैं अपने शहजादे से मिलने आई हूँ। क्या तुझे बकरी लग रहा है क्या शहजादा? क्या मैं आपका मतलब समझी रही? इशारों को अगर समझो। अच्छा तो हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे, आज ही हमने बदली है लुंगी, आज ही हम नहाए हुए हैं। आबरू को बचाने की खातिर अपना खून भी बहाए हुए हैं। पकड़ कलाए तो न छोड़ेंगे जी हम, न छोड़ेंगे जी हम। हुए बेहुनर कमिश्नर कैसे कैसे, ये जमीन खा गई हवलदार कैसे कैसे। क्या बात है, गुस्सा गुस्सा इतना हसीन है तो प्यार कैसा होगा। छोड़ दे, सारी दुनिया किसी के लिए ये मुनासिब नहीं, आदमी के लिए। बस यही अपराध मैं 10 बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। मैं भी बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। ने कही के तुम्हारी ऐसी की। अरे इतनी जल्दी आ गया, पैसा लाया? अग भाई ये तो लावणी वाला है, ये तो ये माली है मेरा। ये बाबू पानी बराबर दे रहे। क्या माला बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ये आपका माली है, ये तो उस दिन वहां पे हाँ उड़ा रहा था मालूम है। क्या है, इसको जब भी पगार मिलता है ना मेरे को लाके दे देता है, मैं उसका डबल कर देता हूँ और वो जाकर उड़ा देता है। अरे ये भी तो उस दिन वहां था। ये ड्राइवर है, ये ड्राइवर, तेरे को बोला ना डिक्की में से पैसा निकाल के अंदर रख। ये चुप्पे, ये आपको चुप्पे बोला? मेरे बाप समान है वो, 5 साल का था तब से पाल पोस के बड़ा किया उसने मुझे, तब से मेरा ड्राइवर है वो। 5 साल? लेकिन इसकी उम्र तो आपके बराबर लगती है। प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना? 4 करोड़ रुपए खर्चा किया है इसके मुंह पे प्लास्टिक डालने के लिए। जिम भी ज्वाइन करवाया, मालूम पड़ता है 60 साल का। ना ना भाई, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। पैसा लाया? लाया ना भाई। भाई अंदर बैठ गिन ले। अंदर कुछ नहीं, हम लोग बैठते बैठते नहीं। अब 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 भाई थोड़ा पानी वानी तो हो जाना चाहिए। पानी कौन पीता है? पानी सिर्फ पौधों के लिए, हम सिर्फ बियर पीते हैं, सेव वाटर ड्रिंक बियर, दैट्स आवर मोटो। भाई 25 दिन में डबल हो जाएंगे ना? अभी ये दोगे तो डबल होगा ना। ले लीजिए 25 दिन बाद आता हूं। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई मैं चलता हूं। ओके ओके बाय, ओके बाय। अब कैसे टूटा ये? नीचे गिरा के। वो तो मेरे को भी मालूम है। हे देवा मैं क्या करूं तुम लोगों का। तोड़ दी, अरे आप तोड़ दी मेरी
घड़ी तोड़ दी। तुमको मालूम है कितनी महंगी है ये? अरे चिंतन, आ रहा हूँ। अरे इधर आ, देख ये क्या किया, मेरी घड़ी तोड़ दी। ये सारा पैसा इससे वसूल करना होगा। सेठ जी, घड़ी कितने में पड़ेगी? अरे मेरे दादाजी के जमाने की थी। हाँ हाँ, भाव बच गए, महंगी नहीं पुरानी है, मैंने सोचा नहीं है। 50,000 रुपए की थी ये। सुनिए जरा, वो दहेज के पैसे लेकर इधर आइए ना। हाँ आया आया। ए चिंतन, इसको छोड़ना नहीं, गेट कीपर को बोल दे इसको बाहर नहीं जाने दे। हाँ सेठ जी। तेरी तोंद में छेद कर दूंगा साले। मैंने नहीं गिराया भाव, इसने गिराया। ये क्या किया तूने? मैंने क्या किया भाऊ? आपने किया। जल्दी से साफ कर, मैं यहाँ खड़ा हूँ, देखता हूँ, जल्दी कर। ठीक है, करता हूँ भाऊ। देखना कोई देख तो नहीं? हाँ देख रहा हूँ ना। कहाँ से क्या से साफ करूँ? जल्दी कर, जल्दी कर। जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। अबे जल्दी कर, अबे जल्दी कर, जल्दी कर, कोई आ जाएगा। जल्दी कर, जल्दी कर। फेंककर सारी मिठाइयाँ खराब कर दी, और ये देखो मेरा हाल। होली है भाई, होली है। बुरा ना मानो, होली खोरो, हराम खोरो। तुम लोगों ने गांठ बांध के रखी है कि मेरी बेटी की शादी तुड़वा के रहोगे, हराम खोरो। क्या हुआ? इसकी तो बत्ती गुल हो गई। इसकी बत्ती गुल हुआ तो जमाना हो गया, तेरे को अभी पता चला? अरे अरे, इस लफंगे को अस्पताल में जाकर फेंक कर आओ। यहाँ पड़े पड़े इसकी जान निकल गई तो मेरे सिर पे जिम्मेदारी आएगी। सेठ जी, मेरे लिए तो यही अच्छा, मर जाए साला ये। सेठ जी, रस्म शुरू होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी है, मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे क्या मुसीबत है, मिठाइयाँ गई भाड़ में। अरे तुम मेरी बेटी को तैयार करो ना। ऐसे आए थे मेरा घर सजाने, उजाड़ के चले गए। उल्लू का चढ़ है। पैसा चाहिए। किस लिए? अभी इसको अस्पताल में ठूसना पड़ेगा ना। 3-4 करोड़ जेब में, दूं तेरे को? दूं अंदर से निकाल के? साले उसको उठा के बाहर फुटपाथ पे फेंक दे, समझे? म्युनिसिपैलिटी गाड़ी उठा के ले जाएगी, नहीं तो उसका अंतिम संस्कार का खर्चा भी मेरे को ही देना पड़ेगा। जा चल। हमने देखा है उनका जो कुलबुलाहट है ना, कुलबुलाहट। तुम लोग यहाँ बैठे कुलबुलाहट कुलबुलाहट खेल रहे हो? अरे तुमने उस लौंडिया कुछ बताया बताया तो नहीं? हम ये पूछ रहे हैं कि वो नौटंकी वाली है ना, उसको नशे में कुछ बोल बोल तो नहीं दिए हो? अरे वो मेरी बीवी है, कहीं तलाक ले लेगी, बोलना तो पड़ेगा ना। क्या बात हुई है? क्या नहीं, इनकी तुम्हारी क्या बात हुई? हाय, इनसे कौन बात करना चाहता है? हम तो आपसे बात करना चाहते हैं। हम तो आपकी आपकी किसी चीज के बारे में बात हुई? चीज के बारे में मतलब? दिल के बारे में? बैग के बारे में। 50 करोड़ का बैग कुएं के पीछे वाले मकान में जो हम लोगों ने छिपा के रखा है, उसके बारे में तुम्हें इन दोनों बेवड़ों ने कुछ बताया तो नहीं ना? हंसने की बात नहीं है। हाय मेरे भोले सरकार, आपने तो बता दिया ना। हाय मेरी गुलबक्खा उसने।